हमाद में आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हमाद में शाम से ही आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी है। इसराइल के एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। यूक्रेन वॉर में जिस महायुद्ध का डर था वो एक बार फिर दुनिया में मंडराने लगा है। यूक्रेन वॉर के दौरान ही पुतिन और जिनपिंग के रिश्ते मजबूत हुए और फिर पुतिन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से हथियारों की डील की। अब माना जा रहा है कि एंटी अमेरिका ग्रुप इसराइल गाजा के बहाने अमेरिका से पुराने हिसाब चुकता करेगा। फिलहाल युद्ध की जिम्मेदारी हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों को दी गई है। बाद में ईरान इस युद्ध में शामिल होगा और ईरान की मदद करेंगे पुतिन और जिनपिंग। इस प्लान और गठबंधन का पहला सबूत भी सामने आ गया है। इस रिपोर्ट में वो सबूत देखिए। चमचमाते नए और घातक हथियार, सटीक निशाना और जोरदार धमाका, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर। इसी वीडियो में सिर पर लाल पट्टी बांधे ये लड़ाके नजर नहीं आते तो किसी को भी यकीन हो जाता कि ये किसी देश की सेना का शक्ति प्रदर्शन है। लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच हिजबुल्ला का ये वीडियो जाहिर करता है कि इसराइल से युद्ध की तो अभी सिर्फ तैयारी चल रही है, जो अब तक हुआ वो ट्रेलर है और असली विनाश तो अभी बाकी है। क्योंकि हिजबुल्ला के इस हौसले के पीछे हैं कई महारथी, ऐसे ताकतवर नेता, इतने शक्तिशाली देश कि इसराइल क्या अमेरिका पर भी भारी साबित हो। एंटी अमेरिका ग्रुप तो गाजा युद्ध से पहले ही एकजुट हो गया था, लेकिन अमेरिका के वर्चस्व और नेटो की ताकत को कम करने के लिए यूक्रेन वॉर को लंबा खींचा गया। अब हथियारों की कमी से जूझ रहे अमेरिका पर अरब में शिकंजा कसने की तैयारी है। अब तक ये सिर्फ आशंका थी, लेकिन अब सबूत भी आ चुका है। ईरान की सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए चीन और रूस की तीनों सेनाएं फारस की खाड़ी पहुंच रही है। ईरान रूस चीन की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। फारस की खाड़ी में तीनों देशों के युद्धपोत अभ्यास करेंगे। युद्धाभ्यास को अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। इसी गुरुवार को ईरान की नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया था। इसी वजह से फारस की खाड़ी में अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है, जिसका नाम है आइजनहावर। एक तरफ अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ इसराइल को उलझाने की। ईरान की नेवी गुरुवार को युद्धाभ्यास कर रही थी, वहीं गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री लेबनान में थे। मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाह ने नसरल्लाह से मुलाकात की। हिजबुल्ला की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इन मुलाकातों के बाद नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल से युद्ध के लिए तैयार है। इस बीच सीरिया में एक बार फिर इसराइल के फाइटर जेट्स ने हमला किया। दो हिजबुल्ला लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। ईरान ने पश्चिमी देशों को एक और झटका दिया है। 2015 से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध था, लेकिन 18 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध खत्म कर दिया। ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर लगाए गए यूएन के प्रतिबंध खत्म होने के बाद ईरान कानूनी तौर पर चीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीद सकता है।
ईरान बाकी देशों को अपने मिसाइल और ड्रोन बेच भी सकता है। ईरान एक तरफ रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, तो वहीं शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित चरमपंथी ग्रुप हिजबुल्ला के आतंकियों को अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की जिम्मेदारी दी गई है। मिडिल ईस्ट की तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान इसराइल के बीच जंग की शुरुआत होती है तो अमेरिका इसराइल के साथ होगा और रूस ईरान की मदद करेगा। ईरान को काबू में रखने के लिए अमेरिका कई बरसों पहले ही उसे चारों तरफ से घेर चुका है। इस मैप के जरिए समझिए कि कैसे ईरान की छोटी सी गुस्ताखी उस पर भारी पड़ सकती है। कतर, यहां अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। यहां करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। बहरीन, अमेरिका के 7,000 सैनिक यहां मौजूद हैं। अमेरिका की नेवी और वायुसेना भी मौजूद है। इसके बाद इराक, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेस मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिका के 65,000 सैनिक मौजूद हैं। एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर मौजूद हैं। पेंटागन से ऑर्डर रिलीज होते ही ईरान को अमेरिकी बेस से अटैक का सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ रूस खुद युद्ध में उलझा है और ऐसे हालात में वो ईरान के लिए क्या कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि चीन, रूस और ईरान के संयुक्त युद्धाभ्यास ने इसराइल की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गठबंधन इसराइल के साथ अमेरिका के लिए भी बेहद खतरनाक है। माना जा रहा है कि पुतिन के लिए इसराइल और गाजा युद्ध इंतकाम का बड़ा मौका है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है, इसलिए रूस अब ईरान और हिजबुल्ला की मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।